नमस्ते, आप सबका इस सतोलॉजी के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और बिफोर मैं आपको आज जो आज शो बताने जा रहा हूँ, जो शो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, आपको एक बात बतानी जरूरी है कि सतोलॉजी अब 20 मिलियन से ज्यादा लोग शब्द को यूज करते हैं पूरी दुनिया में, ऐसा मेरे को रिपोर्ट आया है। और हम लोग काफी AIs पे भी इसका बात आ चुका है, AI प्लेटफॉर्म्स पे। तो ये सब आपके स्नेह की वजह से है और आप सब और हमारा भी स्नेह इस शो में आप देख सकते हैं। और इस शो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पे बात करने जा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा। ये पुस्तक से है और कभी हमारे जो वन ऑफ द बेस्ट जो हमारे जो गेस्ट हैं और साथ में को होस्ट भी है कभी कभी, प्रोफेसर रामेश्वर विश्व पंकज जी, कुसुमता केडिया जी और शैलेंद्र जी, उनके साथ हम ये बुक पे डिस्कस करेंगे अभी। और सतोलॉजी का तो आप सबको मालूम ही है, सत्य का विज्ञान, सत्य की पढ़ाई, उसके विपरीत है मिथोलॉजी। सतोलॉजी जो है एटाइमोलॉजिकली या फिर व्याकरण के अनुसार मिथोलॉजी का ही विपरीत है। तो रामायण महाभारत के लिए मिथोलॉजी शब्द कभी भी यूज ना करें। विदाउट डिले लेट अस वेलकम प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज जी एंड डॉक्टर शैलेंद्र कुमार। नमस्ते एंड वेलकम टू द शो। एक्चुअली म्यूट पे था वो। हाँ तो ये जो बुक है, बिल्कुल क्लियर। तो शैलेंद्र जी, सबसे पहले इस पे आप शुरू करिए, बताइए कि हिंदू राष्ट्र की संभावना कैसी दिखती है आपको इस समय। सबसे पहले तो जगत गुरु को याद कर लें, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। ऐसा है आदित्य जी कि आज हमारा सौभाग्य है कि पंकज जी जैसे उच्च कोटि के विद्वान, ऋषि तुल्य सज्जन व्यक्ति और भारतीय शास्त्रों के मर्मज्ञ, और इन्हीं के साथ हमारी जो विदुषी दीदी हैं, इन लोगों ने मिल करके इस पुस्तक की रचना की है जो मैं आपके सामने आपको दिखा रहा हूं सारे दर्शकों को। एक इसमें और भी बात जोड़ना चाहूंगा कि जितना मेरा अध्ययन है और संभवतः पंकज जी ने भी इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि कहीं और ऐसी पुस्तक अब तक लिखी गई है, क्योंकि यह बात तो लंबे समय से चल रही है कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र कैसा हो सकता है, उसके क्या अवयव हो सकते हैं, इस तरह की बातें आपको मिलती हैं प्रचंड रूप में। लेकिन एक पुस्तक में सारी बातें मिले या हिंदू धर्म की क्या, हिंदू राष्ट्र की क्या रूपरेखा हो सकती है, यह संभवतः मेरी दृष्टि में कोई पुस्तक नहीं आई। पंकज जी प्रकाश डालेंगे इस पर, लेकिन यदि पंकज जी को मिली होती तो उसका उल्लेख करते, लेकिन उल्लेख किया नहीं है, इसलिए ऐसी पुस्तक कोई है नहीं। तो इस अर्थ में यह दुर्लभ ग्रंथ है और मैंने दर्शकों और पाठकों की सुविधा के लिए आदित्य जी आपको इसका अमेजोन और फ्लिपकार्ट का जो लिंक है वो भी आपको भेज दिया। तो आपसे इतना आग्रह है कि आप अपने डिस्क्रिप्शन में इन दोनों को डाल दीजिएगा ताकि जिनको इस पुस्तक को पढ़ना हो, समझना हो, वे आसानी से इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। पुस्तक क्या है कि ये अपने आप में, जैसे मैंने कहा, हिंदू राष्ट्र की क्या रूपरेखा हो, हिंदू राष्ट्र कैसा हो, इसकी एक बहुत ही प्रामाणिक पुस्तक। इसमें मात्र 298 पृष्ठ हैं और 22 अध्याय है। तो एक हिसाब से देखा जाए, अध्याय को यदि आप उससे गुणा भाग करें तो संभवतः 13 या 14 औसत रूप से एक अध्याय में पृष्ठ होंगे। तो छोटे छोटे अध्याय, और पुस्तक की जो लेखन शैली है वह भी रोचक है। अब आता हूं मैं मूल विषय पर, पुस्तक क्यों लिखी गई,
पुस्तक लिखना क्यों आवश्यक है और क्यों दर्शकों द्वारा इसका पढ़ना आवश्यक है। तो आप देखिए कि पहले हम जो व्यापक दृष्टिकोण है वो लेते हैं, फिर सूक्ष्म की तरफ भी बढ़ेंगे। व्यापक विषय यह है कि संसार में कई दर्जन जो देश हैं और विशेषकर वे देश जो माने जाते हैं कि वहीं से संविधान जैसा विचार आया, वहीं से लोकतंत्र जैसा विचार आया। एक मिनट, आपने जो लिंक भेजा है किसी और पुस्तक का भेजा है, कैन यू जस्ट चेक द लिंक, अभी बाद में आप दीजिए। अच्छा ठीक है यस। तो मैं ये कह रहा था आदित्य जी कि व्यापक रूप से यदि आप देखें तो जिन देशों ने संविधान की बात की, जिन देशों ने लोकतंत्र की बात की, जिन देशों ने आज जो आपके हमारे सामने जुडिशियल सिस्टम है उसकी बात की, सेक्युलरिज्म की बात की, आश्चर्यजनक तथ्य है और विडंबनापूर्ण स्थिति है कि ये सारे के सारे देश क्रिश्चियन स्टेट है, क्रिश्चियन नेशन है। इंग्लैंड का कहीं से भी दूर दूर तक सेक्युलरिज्म से कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो पुस्तक में आरंभ में ही इस बात को स्पष्ट किया गया है। एक के बाद एक देश लीजिए, आप इंग्लैंड को लीजिए, स्पेन को लीजिए, इटली को लीजिए, जर्मनी को लीजिए, फिनलैंड को लीजिए, आप स्विट्जरलैंड को लीजिए, ये सारे के सारे देश जो क्रिश्चियन अलग अलग सेक्ट हैं उनमें से किसी न किसी सेक्ट को मानने वाले हैं और वही उनके राष्ट्र की पहचान है। उन्हीं के आधार पर उनके संविधान का निर्माण हुआ है और उस सेक्ट को सर्वोपरि सर्वमान्य स्थिति उसकी दी हुई है। अब आप एक तरफ देखिए कि इस ओर पंकज जी ने, ये जो लेखकों ने ये प्रश्न भी उठाया पुस्तक में, और मैं कहता हूं हर सामान्य व्यक्ति को यह प्रश्न उठाना चाहिए कि भाई हम जिसकी नकल कर रहे हैं या जिनके लिए कहा गया कि तुम उनकी नकल करो, वो तो इस योग्य है ही नहीं कि हम उनकी नकल करें। उन्होंने हमारे ऊपर बलात् सेक्युलरिज्म थोप दिया, बलात अपना संविधान थोप दिया, बलात अपना जुडिशियल सिस्टम थोप दिया, बलात अपना एजुकेशन सिस्टम थोप दिया। इस एजुकेशन सिस्टम का भारतीय विद्या से कोई लेना देना नहीं है। तो तात्पर्य यह है मेरे कहने का कि ये जो तथाकथित विकसित देश माने जाते हैं, जिनका रात दिन हम गुणगान करते हैं, अनुकरण करते हैं, ये सारे के सारे घोषित रूप से क्रिश्चियन नेशन है। दूसरा चले आइए मुसलमानों को लेकर, तो मुसलमानों के तो वैसे भी 50% से अधिक मुसलमान कहीं किसी देश में हैं, तो वह देश स्वमेव बिना किसी विलंब के वह इस्लामी राष्ट्र अपने आप को मान लेता है, इस्लामी नेशन मान लेता है, इस्लामी मुल्क मान लेता है। तो 56 के जो मुल्क है, देश है जो इस्लामी है, 30-35-40 लगा लीजिए क्रिश्चियन नेशन है, दर्जन भर जो है बौद्ध नेशन है जो अपने आप को बौद्ध कहते हैं, एकमात्र देश यहूदियों का इज़राइल, जो आरंभ में हमारी तरह तो नहीं लेकिन हाँ सेक्युलर था और घोषणा नहीं की थी कि ये यहूदी देश है, उसने भी 4-5 वर्ष पूर्व अपने आप को यहूदी देश घोषित कर लिया। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि संसार के अधिकतर देश जो विशेष रूप से कम्युनिस्ट नहीं बने या कम्युनिस्ट नहीं है, उनका जो बहुलांश है वह किसी न किसी पंथ को मानता है और उस पंथ को अपनी पहचान बताता है।
तो इसमें भारत जैसे देश की स्थिति क्या होनी चाहिए? तो भारत के पास दो कारण है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, अगर आप वैश्विक परिदृश्य में इसके बारे में विचार करते हैं। तो पहला तो यह है कि 80% से अधिक यहां के लोग हिंदू हैं, और चूंकि हिंदू ही रहते आए हैं प्राचीन काल से, लाखों करोड़ों वर्षों से, उनका जो धर्म है, उनकी जो परंपरा है, वही बहुसंख्यक समाज का धर्म और परंपरा है। इस रूप में यह स्वाभाविक है कि भारत हिंदू राष्ट्र बने। यह तर्क और सुदृढ़ हो जाता है जब आपको 1947 की याद दिलाई जाती है, क्योंकि 1947 में मुसलमानों ने अपने मजहब के आधार पर पाकिस्तान बनवा लिया, जो कालांतर में दो टुकड़ों में बट गया। तो मेरा कहना यह है कि जब वो एक मुल्क या एक देश इस्लामी हो गया, मुसलमानों ने उसको ले लिया, हथिया लिया, तो जो हिस्सा हमारा आज है और बचा है वह नैसर्गिक रूप से हिंदू राष्ट्र। आप घोषणा करें या ना करें, क्योंकि 47 में बात तो हुई थी कि जो मुसलमान है उनका वो अलग देश है, जो हिंदू है उनका अलग देश है। ये दो बहुत बड़े कारण हैं जिनके कारण हिंदू राष्ट्र की घोषणा की जा सकती है बिना किसी अधिक परेशानी के। अब मैं आता हूं इस बात पर कि हिंदू राष्ट्र क्या है, हिंदू राष्ट्र में क्या होना चाहिए, और हिंदू राष्ट्र नहीं है तो हमें क्या क्षति हो। कोई प्रश्न पूछ सकता है कि भाई आपको क्या परेशानी है यदि हिंदू राष्ट्र नहीं है। तो पहली बात तो यह है कि यदि यह हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो यह राष्ट्र ही नहीं रहेगा, यह समाप्त हो जाएगा। कारण उसका, उसके कई कारण है, लेकिन एक जो मूल कारण है, 1935 का जो अधिनियम है, एक्ट है अंग्रेजों का बनाया हुआ, जिसका बृहद रूप हमारा संविधान बना, उस संविधान में सारे विशेषाधिकार उनको दिए गए हैं जो हिंदू नहीं है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यह होता है कि कोई ईसाई जब चाहे अपने लिए अपना स्कूल बना सकता है, खोल सकता है, उसमें बाइबिल का अध्ययन करवा सकता है या कर सकता है, इस्लामी मदरसे खुल सकते हैं, कुरान का अध्ययन हो सकता है, हदीस का अध्ययन हो सकता है, लेकिन इस तरह की कोई भी सुविधा हिंदू धर्म को नहीं प्राप्त। तो यदि हिंदू समाज अपने शास्त्रों से अपरिचित चला जाएगा, अपरिचित रह जाएगा, तो स्वाभाविक है हिंदू धर्म मिट जाएगा, क्योंकि राज्य ने, सरकार ने, शासन ने उसको संरक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं किया। तो यह जो विडंबनापूर्ण स्थिति है उसको सही करना परम आवश्यक है। अब इसमें छोटी छोटी बातें तो हो सकती, कोई सुझा सकता है, कोई भी आपको सलाह दे सकता है कि ठीक है, जो विशेषाधिकार दिए गए हैं अल्पसंख्यकों को, वही विशेषाधिकार हिंदुओं को दे दिए जाए। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि संविधान में केवल इतनी ही कमी तो नहीं है, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी कमियां हैं। जैसे हमारा पूरा जुडिशियल सिस्टम, जैसे हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम, जैसे हमारी सारी शासन व्यवस्था, जैसे हमारा सैन्य विभाग, लेखकों ने इस पुस्तक में बड़े ही विस्तार से यह बताने का प्रयास किया है कि संविधान के लिए हमारे ही देश में जो सफलतम राज परंपरा थी, एक एक राज परंपरा हजार वर्ष, डेढ़ हजार वर्ष जो चली होगी, जैसे चोल साम्राज्य है, जैसे राजस्थान में मेवाड़ है, जैसे बहुत लंबा नहीं लेकिन छोटा भी नहीं है विजयनगर साम्राज्य है, जैसे ललितादित्य का साम्राज्य है, जैसे अहोम का राज्य है, जैसे त्रिपुरा का राज है। त्रिपुरा के राज के विषय में कहा जाता है कि 5000 वर्षों का सारे राजाओं के नाम, वंशावली सब कुछ लिखा हुआ है, जिस पुस्तक का नाम है राजमाला, संस्कृत में लिखी हुई पुस्तक है।
तो ये जो सफलतम राज परंपरा हमारे देश में रही है, हम उनकी तरफ अपनी दृष्टि क्यों ना दौड़ाएं। पुस्तक में एक बड़ा अच्छा तर्क दिया गया है कि यदि अंग्रेज उस तरह के सफल होते और हम उनका अनुकरण करते तो संभवतः औचित्यपूर्ण बात होती। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि 1858 से पूर्व इस देश में किसी अंग्रेजी सरकार का शासन नहीं था। एक कंपनी थी जो चल रही थी, उसको आप अंग्रेजी सरकार की शासन व्यवस्था नहीं कर सकते। तो 1858 में आरंभ होता और 1947 में वो विदा हो जाते हैं। जो विद्वान है उस बात को जानते हैं कि 47 में जो हमें सुंदरता मिली हो बहुत विलंब से मिली, उसके काफी पहले भी हमें मिल सकती थी। लेकिन यदि वो भी मान ले 47, तो कुल मिला के 90 वर्ष भी पूरे नहीं होते। तो जिस शासन व्यवस्था की आयु मात्र 90 वर्ष हो उसको आप आदर्श शासन व्यवस्था मान ले, और फिर उस अंग्रेजी साम्राज्य के बारे में तो बात करना भी बाकी है। कहा कि भाई सूरज का अस्त नहीं होता अंग्रेजी की सल्तनत में, अब अस्त नहीं होता तो अब कहां चला गया वो? आज जो इंग्लैंड है क्षेत्रफल में बिहार के बराबर है, उसकी आज की जो जनसंख्या है वो आज के बिहार की आधी जनसंख्या है, इतना छोटा क्यों बचाओ? क्यों सिकुड़ गया? यदि आपने साम्राज्य बनाया तो उसको लंबे समय तक चलाते, तब तो आपकी वीरता का पता चलता, आपके पौरुष का पता चलता, आपके पराक्रम का पता चलता, आपकी योग्यता का पता चलता। लेकिन ये कितने लंबे इतिहास में आप तो आंधी की तरह आए, तूफान की तरह चले गए, क्या आपका कुछ बचा? तो हम उस ऐसी असफल शासन व्यवस्था या कहिए क्षणभंगुर शासन व्यवस्था की नकल क्यों करें? यदि क्षणभंगुर की नकल हम करेंगे तो हम स्वयं क्षणभंगुर हो जाएंगे। जिस समाज ने सेना नहीं देखी, जिसको सेना का संचालन का पता नहीं, जिसने सेना नहीं खड़ी की, उसकी नकल हम कर रहे हैं। तो ये जो कुछ मोटी मोटी बातें हैं उसके लिए आवश्यक है कि हम अपने राजा महाराजा, और अच्छी बात क्या है, वो केवल हमारे इतिहास में नहीं है, उनके जो प्रामाणिक अभिलेख है वो उपलब्ध है। कैसे वो शासन करते थे, कैसे दान करते थे, न्याय व्यवस्था कैसी होती थी, युद्ध कैसे करते थे, इसके अभिलेख है हमारे पास, उपलब्ध है। उनका हम उपयोग करें, उनका हम प्रयोग करें। तो कुल मिलाकर मैं कहना यह चाह रहा हूं कि बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यदि हमारा यह देश हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होता है तो हिंदू समाज, हिंदू धर्म समाप्त हो जाएगा, और हिंदू समाज जो है, हिंदू लोग जो हैं, और ये जो राष्ट्र है, एक दूसरे के पर्याय हैं। यदि हिंदू नहीं रहे या हिंदू धर्म नहीं रहा तो यह राष्ट्र भी नहीं रहेगा, यह देश भी नहीं रहेगा। उदाहरण हमारे सामने स्पष्ट है, कश्मीर क्यों अलग होना चाहता था या चाहता है? क्योंकि वहां जो बहुमत है वो मुसलमानों का है। तो हमें यदि 2000-10000 साल आगे के लिए सोचना है, एक सफल राष्ट्र के रूप में अपने आप को स्थापित करना है, और इतना ही नहीं संसार में भी सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का उसको जो उचित स्थान मिलना चाहिए वो मिले, इसलिए आवश्यक है कि जब तक आप सिद्ध नहीं करेंगे कि आप हिंदू राष्ट्र हैं, दूसरा क्यों आपको भाव देगा? और इसमें पुस्तक में इस बात का भी उल्लेख है विस्तार से कि आज की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति क्या है। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति यह है कि भारत एक बहुत ही कहिए कि मजबूत, सुदृढ़, बलशाली राष्ट्र के रूप में उभर चुका है। इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय पहचान है
वो बहुत अच्छी है। ऐसे में यदि भारत हिंदू राष्ट्र होता है तो संसार के किसी भी देश को कोई विशेष परेशानी नहीं होगी उसको स्वीकार करने, जैसे इसराइल को स्वीकार किया वैसे स्वीकार किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न तो यह उठता है कि हमको कोई स्वीकार करे या न करे, पता नहीं क्या करे, हम उसको क्यों महत्व दें? हमने कभी सोचा कि इंग्लैंड को हम इसलिए नहीं स्वीकार करते कि इंग्लैंड सेकुलर देश नहीं? क्या हमने विचार किया कि जर्मनी सेकुलर नहीं इसलिए हम उससे बात नहीं करेंगे? तो अंतरराष्ट्रीय जो संबंध होते हैं वो लेन देन पर होते हैं, गुणा भाग हिसाब होता है, उसमें हानि लाभ की बात होती है। जिसका स्वार्थ सिद्ध होगा हमारे देश से वो हमें मान्यता देगा, हमारा हमारा हमारे महत्व को मानेगा। तो इसलिए इस विषय में बहुत चिंता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अंतिम बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि इसके लिए क्या केवल प्रधानमंत्री को या केवल शासन को ही चिंता करनी चाहिए? नहीं, इसके लिए प्रत्येक हिंदू को चिंता करनी चाहिए, या ऐसे मुसलमान और ईसाइयों को भी चिंता करनी चाहिए जो सचमुच इस राष्ट्र से प्रेम करते हैं, राष्ट्रभक्त हैं। क्योंकि राष्ट्रभक्ति हिंदू धर्म में ही है, राष्ट्रभक्ति जैसा कोई तत्व न तो इस्लाम में है न ईसाई धर्म में। इन दोनों को राष्ट्र से कोई लेना देना ही नहीं। तो मैं अपनी वाणी को अभी तो विराम देता हूं, आगे जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे मैं अपनी टिप्पणी करूंगा, लेकिन मूल रूप से जो मुझे कहना था सार में वो मैंने बात कह दी। रामेश्वर जी आप अपनी बात करें, मैं एक पॉइंट आपके सामने रखूंगा बिफोर यू स्पीक कि आज की जो गवर्नमेंट है बहुत अच्छा काम किया है भारतीय गवर्नमेंट ने फॉरेन में, और हम लोगों को दिखता भी है बैठे हुए यहाँ फॉरेन में कि क्या भारतीय गवर्नमेंट कर रही है। लेकिन फिर भी उनको इस बात में अभिमान नहीं है कि वो हिंदुओं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अभी भी सेक्युलरिस्ट जैसी बातें होती हैं। तो इसको भी ऐड करिएगा अपने व्यक्तित्व में प्लीज। हाँ, नमस्कार सभी, आदरणीय केडिया जी शायद जुड़ नहीं पा रही हैं, अन्यथा वो भी बहुत अच्छे से इस विषय को रखती। मित्रों, ये जो पुस्तक लिखी गई है ये जैसा शैलेंद्र जी ने बहुत अच्छे से इस किसार को बता दिया। पहली बात तो ये है कि इस विषय पर कोई पुस्तक भारत में किसी ने नहीं लिखी है। हल्ला बहुत मचाया है, हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, भाजपा हिंदू राष्ट्र ला रही है, आरएसएस हिंदू राष्ट्र ला रहा है, फलाने हिंदू राष्ट्र ला रहे हैं, ढिकाने हिंदू राष्ट्र ला रहे हैं, लेकिन इस विषय पर कोई पुस्तक नहीं लिखी गई। वीर सावरकर ने हिंदुत्व एक पुस्तक लिखी थी जिसमें ये कहा था कि असिंधु सिंधु पर्यंतम यस्याद भारत भूमिका मात्र पुण्यभूष चैव तवई हिंदू रीति, वो हिंदू की व्याख्या की है कि जो इसको मातृभू और पुण्यभू माने वो हिंदू है। लेकिन हिंदू राष्ट्र क्या है, कैसे होगा, इस पर कोई चर्चा नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक परम पूजनीय माधव सदाशिव गोलवलकर जिन्हें गुरु जी कहते थे, उन्होंने एक भाषण दिया था, आज वो पुस्तकाकार छपा, वी एंड अवर नेशनहुड डिफाइंड, उसमें हिंदू राष्ट्र की बात का बहुत कुछ सूचक संकेत था, लेकिन वो उस आरएसएस उसका उल्लेख नहीं करता, उसको अमान्य घोषित नहीं किया है सार्वजनिक रूप से, लेकिन व्यवहार में उसे अमान्य कर दिया है या बैकग्राउंड में डाल दिया है। तो इस प्रकार किसी भी बड़े बड़े संगठन जो हिंदुत्व की बात करते हैं उन्होंने भी अभी हिंदू राष्ट्र पर कोई पुस्तक नहीं लिखी। लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण, अगर वो नहीं लिखे तो भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि भारत में ये परंपरा नहीं रही है कि कोई एक समूह, एक राजनीतिक समूह अपने मन से अपने दिमाग की खुजली से कुछ लिख दे कि ये होना चाहिए, जैसे मार्क्स वगैरह ने लिख दिया सोशलिज्म या कम्युनिज्म, किसी ने, कुछ कैपिटलिस्टों ने लिख दिया कि नहीं हम तो जो कैपिटल के आधार पर व्यापार कर रहे हैं तो ये कैपिटलिज्म ही ठीक है। इस तरह थोड़े थोड़े लोग कुछ लिखते हैं और शासन से उसका संबंध नहीं होता, शासन तो वो अन्य तरीके से लिखते हैं, क्योंकि मार्क्स ने जो लिखा था उसके अनुसार स्टालिन और लेनिन कोई शासन नहीं लाए, वो विषय अभी नहीं है। ये बात यह है कि कुछ लोग अपने दिमाग की खब्द से नए नए विचार रख दें, ये भारत की परंपरा नहीं रही।
जहां तक दो बड़े नामों से इस्लाम और ईसाइयत का शैलेंद्र जी ने बताया, तो वो वस्तुतः इस्लाम के नाम से कोई राष्ट्र नहीं है, इस्लाम की किसी न किसी पंथ के नाम से किया है, सुन्नी है, वहाबी है, सऊद है, ये है। इसी तरह क्रिश्चियन नेशन कोई नहीं है, लेकिन यूरोप के सभी नेशन रिलीजियस हैं, कोई कैथोलिक है, कोई प्रोटेस्टेंट है, कोई ऑर्थोडॉक्स है, कोई ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स है, कोई लुथेरियन है, और उनके संविधान में घोषित है इंग्लैंड में है कि प्रोटेस्टेंट चर्च, जो चर्च ऑफ इंग्लैंड होगा, वो वहां का एक तरह से स्टेट रिलीजन है। कई देशों में लिखा है कि प्रोटेस्टेंट चर्च, कई में लिखा है कैथोलिक चर्च हमारा स्टेट रिलीजन है, और कई जगह लुथेरियन चर्च, ऑर्थोडॉक्स चर्च, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च, इस तरह का लुथेरियन चर्च। ईसाइयत के किसी न किसी पंथ को एक एक नेशन स्टेट जो यूरोप के हैं उन्होंने अपना स्टेट रिलीजन घोषित कर रखा है, और इसी तरह इस्लाम के किसी न किसी एक एक पंथ को अलग अलग स्टेट रिलीजन घोषित कर रखा है। हालांकि उन्होंने सबने कुरान का हवाला दिया है, जैसे कि अफगानिस्तान ने भी, बांग्लादेश ने भी, पाकिस्तान ने भी, जो कल तक तीनों भारत ही थे, उन्होंने अपने संविधान में अल्लाह और कुरान और आखिरी रसूल की बात कही है, लेकिन अंत में वो अपने किसी पंच से अनुशासित है, शिया वाले शिया से, सुन्नी वाले सुन्नी से, वहाबी। इसका कारण ये है कि ईसाइयत और इस्लाम अपने नाम के जो अनुयायी हैं उनको भी बांटते हैं, आपस में विभाजन करते हैं, आपस में लड़ाते हैं, कोई एकता नहीं है, और मुसलमान संसार में एक होकर आज तक नहीं रह पाए, 56 देश हैं लेकिन वो आपस में लड़ते ही रहते हैं। वैसे तो एक घराने के भी सगे भाई लड़ते हैं, चाचा को मार देते हैं, उनका सारा इतिहास, तो एक परिवार कभी एक नहीं रहा, एक कबीला एक नहीं रहा, और एक मजहब के उनको अनुयायी कहने वाले कभी एक नहीं रहे। इसी तरह क्रिश्चियंस में सबसे ज्यादा खून खराबा आपस में किया। हिंदू की स्थिति बिल्कुल भिन्न है, हिंदू जो है वो अनादिकाल से, या जितना भी ज्ञात इतिहास में जितना स्मरण आप कर सकें, लाखों साल से, कोई जो आधुनिक यूरोपीय बुद्धि से प्रभावित है वो हजारों वर्ष कह लें, लेकिन हजारों वर्ष से तो रिटन रिकॉर्ड उपलब्ध है, हजारों वर्ष से हिंदू हिंदू के रूप में रह रहे हैं, और उन्होंने हिंदू का, हम वैष्णव शासन लाएंगे, हम शैव शासन लाएंगे, हम शाक्त शासन लाएंगे, हम अमुक पंथ का शासन लाएंगे, हिंदुओं का बहुत से पंथ संप्रदाय, लेकिन हम अपने भी संप्रदाय का शासन लाएंगे, ये कभी किसी हिंदू संप्रदाय के आचार्य ने अथवा उनके अनुयायी शासक ने घोषणा नहीं। इसलिए हिंदू धर्म का बहुत अधिक महत्व है, और इसलिए भारत को विशेषकर हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा ही राष्ट्र है कि जो आपस में पंथ या आस्था के भेद के आधार पर लड़ना नहीं सकता। उसका कारण ये है कि जो हिंदुओं के धर्म शास्त्र है वो वस्तुतः मानव धर्म शास्त्र है, जो हमने अपनी पुस्तक में बताया है कि वो मानव धर्म संसार में पुरानी पुस्तकों में वही पुस्तक है जो मानव धर्म शास्त्र अपने को कहती है, वो है मनुस्मृति, और एक ही धर्म है जो अपने को मानव धर्म ही कहता है, वो है हिंदू धर्म, बाकी कोई मानव धर्म अपने को नहीं कहता। कोई कहता है कि ये मोमिनों का धर्म, काफिर और मुशरिक और मुनाफिक को हम मारेंगे या नरक भेजेंगे, कोई कहता है ये क्रिश्चियंस का रिलीजन है, कोई कहता है मोमिन का मजहब है, कोई मुनाफिकीन और मुशरिक और काफिर को मार डालेंगे, सफाया कर देंगे, कोई कहता है कि ये क्रिश्चियन हम हैं और क्रिश्चियन ही रिलीजन है और बाकी जो वो हिडन हैं, पैगन हैं, और उनको मारा है। तो संपूर्ण मनुष्यों के लिए सार्वभौम नियम जो प्रकृति के, माने प्रकृति में जिन नियमों का पालन दिखता है और हमारे ऋषियों ने जिनको देखा, ऐसे सत्य धर्म यज्ञ आदि जो आधारभूत धर्म है, इन पर बल देता है हिंदू धर्म। इसलिए हिंदू धर्म तो संपूर्ण विश्व के लिए कल्याणकारी है, लेकिन विश्व में जब वो लगेगा तो उसे सनातन धर्म कहेंगे। हिंदू शब्द देशवाचक है, और जैसा मैंने इस पुस्तक के परिशिष्ट में हम लोगों ने बताया है, परिशिष्ट में दिया है कि हिंदू शब्द कैसे वैदिक है, सप्त सिंधु जिसको कि उच्चारण भेद से हिंदू कहते हैं, क्योंकि यास्क ने निरुक्त में बताया है कि सा का हा हो जाता है और धा का दा हो जाता है, तो सप्त सिंधु वैदिक शब्द है और उसी से ये हिंदू बना है। और इसके बाद मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण और मेरु तंत्र और अनेक शास्त्रों में, कालिका पुराण, भविष्य पुराण,
सभी जगह भारतवर्ष का नाम है और उसमें हिंदुत्व की भी, हमारे सैकड़ों शास्त्रों में इसे हिंदू राष्ट्र कहा गया है और भारत राष्ट्र भी कहा गया है। उत्तरम यत् समुद्रस्य नागरिकेव दक्षिणम् वर्ष तत् भारतम् न भारती भारती यत्र संतति। तो ये जो भारत है ये मुख्यतः हिंदुओं का देश है सदा से, और इसमें आज तक किसी अन्य ने शासन नहीं किया। कुछ उत्पाती आए हिंदुओं में से ही, कुछ लोग लालच से, कामांधता से, अंतहीन लूट के लालच से कभी कुछ अपने को मोमिन कहने लगे, किसी मजहब को अपना लिया। और इंग्लैंड तो कभी घोषणा करके आया ही नहीं, वो तो हमको दीवानी दे दो, हमको मसाले का व्यापार करने दो, काली मिर्च का करने दो, सूती कपड़ों का व्यापार करने दो, ऐसे हाथ जोड़ते हुए व्यापार के लिए आए। तो भारतवर्ष एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जिसको आज तक किसी ने घोषित करके, ललकार करके युद्ध की घोषणा नहीं की। छल से ही यहाँ पहले तो मिलजुल के रहे, ऐसा कोई अपने को मुसलमान कहने वाला जागीरदार जो अपने को बादशाह कहने लगते हैं छोटे से इलाके का शासक होके, तो ऐसा जागीरदार अपने को बादशाह कहने वाला लफंगा कोई जागीरदार नहीं हुआ जिसने हिंदुओं की सहायता नहीं ली। यहाँ तक कि जो औरंगजेब नाम का कमीना था जिसका असली नाम मोहिउद्दीन था, उसने भी मारवाड़ के शासकों से और जयपुर के शासकों से बहुत सहायता ली, और अंत में जैसा उनकी आदत है मारवाड़ के जो वंशधर थे, मारवाड़ के जसवंत सिंह जी की मृत्यु के बाद, उनको उसने विषभूषे कपड़े पहना के छल से मारा। तो इस्लाम और ईसाइयत के नाम से यहाँ जो भी कमीने लोग शासन के में बने छोटे छोटे हिस्से में, वो छली और धूर्त और गए गुजरे लोग थे, तो वो तो मानवता के लिए कष्ट कर रहे हैं। इसीलिए गप और झूठ बोलते रहे। पहले तो उन्होंने एक आध शहर में कंपनी जब थी तो अपने आप को वायसराय कहने लगे या कुछ भी लॉर्ड कहने लगे, वो तो गप्पी लोग हैं। जैसा कि शैलेन जी ने बताया 1858 में पहली बार ब्रिटिश स्टेट आया। तो मुख्य बात यह है कि हिंदुओं का यह राष्ट्र भारत एक अपराजेय राष्ट्र है, कभी किसी ने इसको युद्ध से हराने की कल्पना तक नहीं की, घोषणा तक नहीं की, लेकिन छल से यहाँ बहुत हुआ। और दुर्भाग्यवश 15 अगस्त 1947 को जो ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ वो भी छल से हुआ। कहा गया कि हम भारत के लोगों को लोकतंत्र के अधिकार दे रहे हैं और वो अपना संविधान स्वयं बनाएंगे, और ऐसे लोगों को उसमें प्रधानता दी गई, महत्व दिया गया, पद दिया गया जिन्होंने इंडिया एक्ट 1935 को ही भारत का संविधान कह के प्रस्तुत कर दिया। फिर भी उसमें जो भी लचीलापन था कांग्रेस ने उसको भी इन 77 वर्षों में नष्ट कर दिया। जैसे कि संपत्ति का अधिकार मूल संविधान में था, उसको नेताओं ने नष्ट किया। इसी प्रकार सभी मजहब या लिंग या क्षेत्र या किसी भी भेद के बिना सबके साथ समान व्यवहार राज्य करेगा, ये संविधान में लिखा था। और फिर तरह तरह की व्याख्याएं करके इन्होंने, ऐसा शैलेन जी ने बताया, मुसलमानों और ईसाइयों को विशेषाधिकार दे दिया। और ये हिम्मत हुई कि मनमोहन सिंह ने तो कह दिया कि सभ्य राष्ट्र वही है जहां अल्पसंख्यकों का राष्ट्र के संसाधनों पर एकाधिकार होता है या विशेष अधिकार होता है, पहला अधिकार होता है। और इतने, मतलब इतना झूठ, संसार का ऐसा कोई नेशनल स्टेट नहीं है जहां ये हो। तो तुम प्रधानमंत्री होके निराधार बात बोल रहे हो, जिस बात का संसार में अस्तित्व नहीं है उसे बोल रहे हो, तो तुम कितने गए गुजरे होगे। तो यहाँ जो कुछ हुआ है छल से, और 77 वर्षों में हिंदू धर्म का दमन, हिंदू धर्म का की उपेक्षा, हिंदू धर्म को नष्ट करने की कोशिश छल से हुई। कांग्रेस में भी यह हिम्मत नहीं है कि वो कह दे कि हाँ हम हिंदू धर्म का नाश करेंगे, लेकिन धीरे धीरे जवाहरलाल ने तो देखिए संविधान में जो प्रस्ताव रखा गया उसमें जो जवाहरलाल पॉलिटिकल कमेटी के चेयरमैन थे उन्होंने जो भाषण दिया उसमें तो उन्होंने यही कहा कि ये इस प्राचीन भूमि के गौरव को हम पुनः लाएंगे। अब वो नहीं जानते थे प्राचीन भूमि का इतिहास और शास्त्र, लेकिन उस समय तक वातावरण ये था कि उनको भी कहना पड़ा तो प्राचीन भूमि का क्या गौरव है, हिंदू धर्म प्राचीन भूमि क्या है, हिंदू धर्म की भूमि है इसीलिए प्राचीन है, अन्यथा जब इस्लाम कुछ हिस्से में फैल गया या 90 वर्ष तक ईसाइयत हुई तो वो तो प्राचीन नहीं है। तो उन्होंने भी हिंदू धर्म क्या ही संकेत किया, लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ सोवियत संघ और उसके प्रभाव से, कुछ अंग्रेजों के प्रभाव से, इंग्लैंड और अमेरिका
और फ्रांस के प्रभाव से उन्होंने हिंदू धर्म को अधिकार विहीन रखने के लिए कुशिक्षा का जाल फैलाया और इससे कुशिक्षित हिंदुओं की बहुत बड़ी संख्या हो गई। और अंत में सोनिया गांधी वगैरह आई तो उन्होंने व्यवस्थित रूप से भारत को ईसाई नेशन स्टेट बनाने की हिमाकत की, बहुत से चैलेंज चली, वो अभी विषय नहीं। तो मुख्य बात यह है कि इस पुस्तक को इसलिए लिखा गया, इसलिए नहीं कि हमारे दिमाग में क्या है, बल्कि इस सब के बावजूद 77 वर्षों तक भारत के राज्यकर्ताओं द्वारा भारत राष्ट्र की मुख्य धारा जो है उसके शास्त्रों का, उसके ज्ञान परंपरा का, उसके राज्य शासन परंपरा का, उसके वैभवशाली इतिहास का, उसके महान राजवंशों की स्मृति का दमन करने के बावजूद अंत में जब हिंदुओं को लगा कि अब तो अति हो रही है तो वो मोदी जी को तो लाए ही, और सारे देश में विशेषकर सोशल मीडिया आदि के लाभ का, प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए सब हिंदुत्व की, हमारे युवकों युवतियों में और जो प्रौढ़ और परिपक्व लोग हैं उन सब में भी अब हिंदू राष्ट्र बनाने की भारत के लिए कसमसाहट हो रही। भारत में करोड़ों करोड़ हिंदू भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं। कुछ गए गुजरे बिके हुए दलाल या एकदम बुद्धिहीन जर्मती उनको छोड़ के हर हिंदू भारत को हिंदू राष्ट्र देखना चाहता है। इसलिए हमने ये पुस्तक लिखी कि भाई हिंदू राष्ट्र की ऐसी प्रचंड लालसा है, ऐसी व्यापक आकांक्षा है, सारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र के रूप में भारत को देखना चाहता है, वैसे ही जैसे प्रोटेस्टेंट लोग इंग्लैंड को प्रोटेस्टेंट नेशन स्टेट देखना चाहते हैं, बहुत से जर्मनी अपने को मतलब अलग अलग नेशन स्टेट, कोई कैथोलिक कोई प्रोटेस्टेंट, वो सब देखना चाहते हैं। जैसे अभी कल तक भारत का अंग रहा हुआ पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये अपने आप को घोषित रूप से इस्लाम का एक नेशन स्टेट देखना चाहते हैं। उन्होंने अपने संविधान में शुरू में ही कहा है ये सारी धरती अल्लाह की है और हम आखिरी रसूल के हुक्म के अनुसार, जो कि हमारी पवित्र पुस्तक यानी कुरान में लिखी है, उसके अनुसार शासन चलाएंगे दुनिया में, उसी को फैलाएंगे, ये घोषित किया है। तो स्वाभाविक है कि भारत में भी अब भारत के प्रबुद्ध सभी जन और जो भी जिनमें थोड़ी भी धर्म की चेतना है, स्वाभिमान है, आत्मगौरव है, संसार में अन्य राष्ट्रों के साथ और अन्य समाजों के सामने बराबरी से जो जीना चाहते हैं सिर उठाकर, उन सब में भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में देखने की इच्छा है। इसको छोड़ दीजिए कि ये जो तरह तरह के भुट्टे चोर जैसे नेता हैं वो क्या बकबक करते हैं, राहुल गांधी क्या बकबक करते हैं, उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ये लोग वस्तुतः बहुत ही हाशिए पर पड़ गए हैं। जो कुछ भी इनकी शक्ति है ये देशद्रोही शक्तियों और विदेशी शक्तियों के बल पर है, अन्यथा इनको देश ठुकरा चुका है और अब ये कालकवलित हो चुके हैं। जैसा भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था, मयई वेते निहिता पूर्वमेव, तो ये भगवान के द्वारा मारी जा चुकी है कांग्रेस, मृत हो चुकी है सारी कांग्रेस और उनके सारे चट्टे बट्टे मृत हो चुके हैं मोदी जी को निमित्त बना के, और अब आगे और किसी महापुरुष को निमित्त बनाएंगे। तो हिंदू राष्ट्र भारत बनना चाहता है, जैसे सब राष्ट्र है, कोई रिलीजियस है, और हिंदू धर्म हिंदू होने में तो विशेष गौरव है क्योंकि ये मानव धर्म है, क्योंकि ये किसी के विरोध में नहीं है, ये अन्याय और अनीति और अधर्म के विरोध में है, किसी पंथ के, स्वयं उस पंथ के विरोध में नहीं है, वो पंथ जो अन्याय करता है उस अन्याय के विरोध में है। आप उपासना करो किसी भी मजहब या रिलीजन के नाम से, इससे हिंदू धर्म को कोई समस्या नहीं है। उपासना के समय घोषणा करो या कामना करो कि हम दूसरों को नष्ट कर देंगे, काफिर को नष्ट कर देंगे, मुनाफिकीन को नष्ट कर देंगे, हीदन को नष्ट कर देंगे, पैगन को नष्ट कर, उसके लिए हिंदू धर्म प्रस्तुत है कि हम तुम्ही को नष्ट कर देंगे। तो ऐसा वीर और सत्यनिष्ठ और धर्म चेतना से, मानव धर्म की चेतना से भरपूर ये जो राष्ट्र है, इसके विषय में जो लोग गंभीर हैं उनके मन में स्पष्टता आए, इसीलिए हमने इसको शुरू किया है कि शोर तो है लेकिन हिंदू राष्ट्र पर कोई प्रकाशन नहीं हुआ है, कोई विधिवत चर्चा नहीं हो रही है, तो हिंदू राष्ट्र क्या है ये बताया है। इसमें बताया है कि इतना गौरवशाली हमारा संपूर्ण, जो कि शैलेन जी ने बहुत संक्षेप में शुरू में ही बता दिया कि ऐसे भव्य राजवंश हैं, ऐसा विशाल इतिहास है, हजारों हजार साल, मेवाड़ घराना जब से स्थापित हुआ बप्पा रावल के समय से तब से आज तक चला आ रहा है, त्रिपुरा का घराना और केरल के और हमारे चोल चालुक्य सातवाहन है, पांड्य चेर केरल, इतने सारे लोग हैं इधर, हमारे सब राजपूत शासन जो है, मराठों का शासन है,
छत्रपति शिवाजी महाराज और सब पेशवाओं का शासन है, ये सब इतने गौरवशाली शासन इतने दीर्घ काल तक चले, तो वो फिर से होंगे, कोई क्यों नहीं स्मरण कर रहा है, ये उनका सिरदर्द है। अगर भाजपा भी नहीं कर रही है तो वो भी कल को कचरेदान में कूड़ेदान में फेंक दी जाएगी, क्योंकि ऐसा कभी होता ही नहीं है संसार में। विश्व में अपने अत्यंत प्राचीन राजाओं का पूरा विवरण रखने वाला भी कम से कम यूरोप और जम्बू द्वीप में तो एक ही राष्ट्र है भारत, जिसमें जम्बू द्वीप में यूरोप भी आता है, यूरेशिया में ऐसा एक ही राष्ट्र है। अफ्रीका के विषय में मैं ज्यादा नहीं जानता कि उन्होंने कितना प्राचीन रिकॉर्ड रखा है, जितना उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन पढ़ते हैं उससे लगता है कि उन्होंने अभी नहीं रखा है। तो हजारों वर्ष पुराने राजाओं का विवरण रखने वाला तो भारत एकमात्र राष्ट्र है। अंग्रेजों के पास 9वीं शताब्दी ईस्वी के पहले का कोई भी राजवंश नहीं है लिखित, कौन कब हुआ, बस एक धुंधली सी स्मृति है। फ्रांस में नहीं है, जर्मनी तो 1871 में एक हुआ, अंग्रेज स्वयं नेशन स्टेट जो है वो 19 सेंचुरी में पहली बार बने हैं, उसके पहले अलग अलग रियासतें थी और छोटी सी आबादी थी लाखों में कुछ है। तो ये उन लोगों के पास तो राजवंश है ही नहीं पुराने, 9वीं शताब्दी से पहले का कोई राजवंश की स्मृति नहीं है। हमारे यहाँ महाभारत काल से और उसके पहले से राजवंशों की विशाल स्मृति है, सारे स्वयं महाभारत में है, पुराण में है, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, भविष्य पुराण, सभी पुराणों में। तो इतने महान राजवंशों वाला देश इसलिए कि ये यूरोप की नकल की पार्टियां, पहले कांग्रेस और अब मान लो भाजपा भी, उनका स्मरण अगर भुलाते हैं तो उससे कोई मतलब नहीं। समाज जागरूक, समाज में अब तक वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि अच्छा ये चलो थोड़ा सा कुछ बकबक कर रहे हैं देश काल के अनुरूप, लेकिन करेंगे तो वही जो भारत में होता रहा है, लेकिन नहीं किया, कांग्रेस ने नहीं किया, भाजपा कुछ अंशों में कर रही है, कुछ अंशों में वो भी बच रही है। लेकिन जो आदित्य जी ने जो प्रश्न किया तो वो सही है कि भाजपा भी इस राष्ट्र का जो स्वाभाविक गौरव है अपने को उसका उत्तराधिकारी नहीं कहती। हिंदू शब्द तो बोले नहीं बोले वो जाने, मानव धर्म बोल दो। भाजपा ने न तो आज तक मानव धर्म का पालन करने की घोषणा की है न तो हिंदू धर्म का, तो ये उनका कोई हीनता या कुंठा है। लेकिन भारतवर्ष जो है वो तो हिंदू राष्ट्र ही है, वो हिंदू कहो या मानव धर्म कह के कह दो कि भारत अब मानव धर्म का पालन करेगा, मानव धर्म के ये लक्षण है जो मनु ने लिखे हैं, याज्ञवल्क ने लिखे हैं, अंगिरा ने लिखे हैं, नारद ने लिखे हैं, बृहस्पति ने लिखे हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। हमारे यहाँ तो सभी धर्म शास्त्रों ने मानव सामान्य धर्म के रूप में मानव धर्म का ही प्रतिपादन किया है। तो भारत में जो होना चाहिए तो हिंदू राष्ट्र क्यों ये हमने बताया है, और हिंदू राष्ट्र क्या, तो जो हमारी ज्ञान परंपरा है, जो हमारे धर्म शास्त्र है सनातन, उनके अनुसार शासन ही हिंदू राष्ट्र है, जो कि 15 अगस्त 1947 तक सारे हिंदू राजा अपना आदर्श उसी को घोषित करते थे, राजधर्म। राजधर्म क्या है, धर्मशास्त्रों में प्रतिपादित। तो राजधर्म का पालन भारत में पुनः हो, जो कि सनातन धर्म के अंग के रूप में हो, जैसा कि वो धर्मशास्त्रों में प्रतिपादित। ये नहीं कि किसी नेता अपने को विचारक कहने वाले किसी नेता के दिमाग की खुजली हो, इससे नहीं मतलब है, उसको नहीं हमारे यहाँ हिंदू राष्ट्र कहते हैं। किसी भी नेता के दिमाग की खुजली से कोई विचार पैदा हो या किसी विचारक के, उसको हिंदू राष्ट्र नहीं कहते। धर्मशास्त्रों में प्रतिपादित सनातन धर्म का जो परंपरा है उसका अंगभूत जो राजधर्म है वो भारत शासन का आधार बने, उसे हिंदू राष्ट्र कहते हैं। हिंदू राष्ट्र क्या है और हिंदू राष्ट्र क्यों आवश्यक है, ये बताने के बाद हमने हिंदू राष्ट्र कैसे ये भी बताया है पुस्तक में चरणबद्ध रूप में, सार रूप में, तो इसलिए इसमें ये किया है। और परिशिष्ट में बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं कि कुछ लोग समझते हैं कि हिंदू बाद का शब्द है, तो हमने बताया है कि इसका वैदिक उद्गम है, सनातन धर्म और हिंदू धर्म कैसे पर्याय है, भारत और हिंदू राष्ट्र दोनों कैसे प्राचीन काल के नाम है, ये सब बताकर वर्तमान में जो करोड़ों मन में है उसके लिए कुछ वाणी देने का प्रयास किया है। ये पहली पुस्तक है इस दृष्टि से जो हिंदू राष्ट्र के विषय में संक्षेप में सांगोपांग विचार करती है, इसलिए पुस्तक का मैं इसमें एक छोटा सा ऐड करूंगा। जैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अरिस्टोटेलियन आइडिया है, अरिस्टोटल का आइडिया है वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए, और उसका भारत से कोई संबंध नहीं है। और भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, मुझे ये लगता है कि ये वेस्टर्न इन्फ्लुएंस की वजह से हुआ, क्योंकि बी आर अम्बेडकर को भी जानते हैं काफी वेस्टर्नाइज थे वो, और
और बाकी भी जो भारत के पॉलिटिकल लीडर्स थे वो भी वेस्टर्न थॉट से ज्यादा प्रभावित थे, उनको भारत के बारे में कुछ मालूम ही नहीं था। तो भारत का अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी और उसका क्या कारण है मुख्य? मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलिए, ऐड करिए प्लीज। या मैं बोलूं? मैं पहले बोल दूं थोड़ा सा। हाँ बोल। पहली बात ये है कि नेताओं को विचारक मानना ये कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा है, और आजकल सब पढ़े लिखे लोग भारत में भी इस मूर्खता में फंस गए हैं। इसलिए नेताओं ने किसी विचार के तहत संविधान बनाया ये प्रस्थान बिंदु ही मूर्खतापूर्ण, क्योंकि कोई भी नेता विचार पूर्वक कि कोई उसका बड़ा थॉट आया है ऐसे जिएगा, ऐसा संसार में कोई नेता आज तक नहीं हुआ। सत्ता कैसे सुरक्षित रहेगी, नेता उसके लिए काम करता है, और जो अच्छे नेता है वो सत्ता के सदुपयोग के लिए काम करते हैं बस। तो संविधान भारत में इसलिए बनाया गया कि अंग्रेज चाह रहे थे कि कहीं सुभाष चंद्र बोस वाली धारा भारत में फिर शक्तिशाली ना हो जाए, इसलिए जाते जाते इंडिया एक्ट 1935 को ये कबूल कर लें। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ही कहा कि इंडिया एक्ट 1935 को इंडिया एक्ट 1935 के रूप में लोगे तो तुम मारे जाओगे, तुमको सब लोग थूथू करेंगे, तो इसको भारत का संविधान कह दो। तो ब्रिटिश क्राउन की इच्छा के अनुरूप भारत के वाइसराय ने इंडिया एक्ट 1935 को तत्कालीन जो इलीट क्लास है उसके द्वारा अपनाए जाने को और उसको सारे देश का मत मान बताने को कहा कि एक किताब एक कागजात लिख दो, और जिसने इंडिया एक्ट 1935 बनाया था राव हैं वो, बीआर राव हैं शायद, तो उनसे कहा, जो आईएएस थे पुराने आईसीएस थे, उनसे कहा कि जरा लिख दो और ये लोग भी देख लेंगे, थोड़ा सुझाव दे लेंगे। तो जिन बीआर राव ने इंडिया एक्ट 1935 बनाया था उन्होंने ही भारत के संविधान का मूल ड्राफ्ट रखा, फिर जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अम्बेडकर और अन्य कई लोगों ने उसमें कुछ संशोधन सुझाए, कुछ सुंदर रूप दिया। तो क्यों लिखा गया संविधान? क्योंकि अंग्रेज चाहते थे और पावर का ट्रांसफर की ये शर्त थी। फिर चलने क्यों दिया गया? क्योंकि नेता वैसे भी स्वभाव से ही विचार विहीन होते हैं, उनको सत्ता के मारे फुर्सत ही नहीं है। तो लोगों ने सोचा चलो एक कागज पड़ा है उसी के अनुसार कर लेंगे, करते रहे। लेकिन जो उसमें चतुर लोग धूर्त लोग थे और उनका सोवियत संघ या अमेरिका या इंग्लैंड से संबंध था वो उसके अनुसार काम करते गए, और विशेषकर कांग्रेस में एक ऐसा धड़ा आया जिसको हिंदू धर्म से चिढ़ थी और हिंदुओं से भय था, क्योंकि उनको लगता था अरे बाप रे हिंदू धर्म अगर रहा तो हमको प्रभुता नहीं मिलेगी। तो हिंदू धर्म से भय के कारण, अपने ही हिंदू समाज से भय के कारण कांग्रेस के नेताओं ने जानबूझकर इस्लाम और ईसाइयत को छोटा प्रपोर्शन महत्व दिया, अनुचित महत्व दिया, अन्यायपूर्ण महत्व दिया। ऐसा नहीं करता है कोई, विचार से थोड़ी कॉन्स्टिट्यूशन बना, ना विचार से ये सब हो रहा। कांग्रेस ने ये सोच के थोड़ी दिया है कि मुसलमान कोई इस्लाम बड़ा अच्छा मजहब है, अगर वो मानते तो सब मुसलमान हो जाते, और क्रिश्चियनिटी कोई बड़ा अच्छा रिलीजन है क्योंकि वो खुल के हो जाते भाई, एक्सीडेंट जो शादी वादी करने में हो गए वो अलग बात है। तो इसलिए ये जो शासक हैं ये अपनी सुविधा और या तो अपनी तुच्छ लालसाओं के कारण राजनीति करते हैं या किसी बड़े जनता कल्याण के लिए, परंपरा की रक्षा के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बना? अंग्रेज चाहते थे। इसके बाद उसमें उसका दुरुपयोग क्यों हुआ? क्योंकि हिंदू समाज से कांग्रेसियों को डर लगता था। भाजपाई खुल के क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि उनमें उतना आत्मविश्वास नहीं है, इच्छा तो पूरी है, मोदी जी में हिंदुत्व के प्रति पूरी निष्ठा है, पूरी लगन है, और वो सोचते हैं कि अभी जो भारत का इलीट क्लास है जिसका वो सपोर्ट चाहते हैं वो इसका समर्थन नहीं करेगा। जनता तो उमड़ पड़ रही है, चुनाव में तो आपको हिंदुत्व की बात कर रहे हैं ये। अब शैलेंद्र जी बताएंगे आगे। जी मेरी टिप्पणी ये है, जो बातें पंकज जी ने कही हैं वो मुझे लगता है कालांतर की बातें। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है कि उन्होंने बनाया ही क्यों, तो यहाँ जानने वाली बात यह है कि इंग्लैंड में आज तक संविधान नहीं है। बिल्कुल नहीं है, ये ऐसा ही है जैसे कि मेरे और पास अमेरिका, और अमेरिका का संविधान में एक भी नेटिव अमेरिकन का अमेरिकन इंडियन का सिग्नेचर नहीं है। नहीं है उनका कोई लेना देना नहीं। सेटलर्स ने चर्च ऑफ इंग्लैंड के विरुद्ध आजादी डिक्लेयर करी, नेटिव अमेरिकन को उसके बारे में उस समय मालूम भी नहीं था कि ये हो रहा है।
तो ये विडंबना है कि मान लीजिए मेरे पास, मैंने कभी शर्ट जीवन में नहीं पहनी और मैं किसी और को कह रहा हूं कि तुम शर्ट ठीक से पहनो। अरे जब तुमने खुद नहीं पहनी है तुम्हें पता ही नहीं है शर्ट कैसी होती है, तुम दूसरे को शर्ट कैसे दे सकते हो। तो इंग्लैंड को तो इस बात का ना अभ्यास है ना उसको अनुभव है कि संविधान किसको कहते हैं, और वो भारत पर यह शर्त थोपता है कि भारत संविधान बनाए। मेरी जो मान्यता है या जो मैं मानता हूं वो यह है कि 1909, 1919 और 1935 ये जितने एक्ट बनाए गए हैं अंग्रेजों के द्वारा, इनका प्रधान कारण था कि भारत पर शासन करें, भारत को स्वतंत्रता न मिले, खंड खंड में बांट दें इसको। हर एक एक्ट जो है उसमें देश को बांटा गया है। सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रावधान किया गया मुसलमानों के लिए चुनावों में। 1935 के एक्ट के आधार पर ही बाद में पहली बार हमारे देश में जो काम जलालुद्दीन शाहजहां के जमाने में नहीं हुआ, औरंगजेब के जमाने में नहीं हुआ, वह काम 1935 के एक्ट पर हुआ, जिसको कहते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ। ये पारित कराया गया है कांग्रेस के शासन द्वारा। तो मेरा कहना यह है कि आरंभ में तो स्वतंत्रता भारत को न मिले, भारत देश के लोग खंड खंड में बट जाए, यह देश नष्ट हो जाए, इस उद्देश्य से सारे एक्ट बनाए गए थे। जब उनको लगा कि नहीं ये स्वतंत्रता ले लेंगे या स्वतंत्रता निकट दिखने लगी, तब जो बात कह रहे पंकज जी वो बहुत काम की है कि कहीं सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों के हाथ में ना ये आ जाए, या जो ब्रिटिश हित था उस पर ना आघात पहुंच जाए। और ब्रिटिश हित कई प्रकार के थे। उस समय तक भारतवर्ष में जितनी विदेशी कंपनियां काम कर रही थी, क्योंकि भारत में अपनी कंपनी को बनने नहीं देते थे, वो बहुत कम बनती थी, तो सारी विदेशी कंपनियां एक तरह से ब्रिटिश कंपनियां थी, चाहे वो सिलाई मशीन हो, चाहे वो साइकिल हो, चाहे स्टोव हो, जो कुछ भी आप सोचें वो सब अंग्रेजों की कंपनियां थी। तो इनको डर ये भी था कि कहीं ऐसा ना हो कि नेहरू एंड कंपनी जो है इन कंपनी हमारी कंपनी को नेशनलाइज कर दे, बंद कर दे। तो ये सारी शर्तें थी जो वो मनवाना चाह रहे थे। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य भी था, जिसमें ये था कि कश्मीर में वो एक्सपेरिमेंट करते थे एटम बॉम्ब की, जो बना रहा था स्टालिन, तो उसकी जानकारी लेनी थी, इसलिए उस क्षेत्र को बांटा गया। और विडंबना देखिए कि पाकिस्तान का जो मैंने जो हिस्सा लिया है कश्मीर का, और हमारा जो हिस्सा है, दोनों के जो हेड थे वो अंग्रेज फौजी थे। तो एक हिसाब से अंग्रेज फौजी के नेतृत्व में युद्ध हुआ। ऐसा युद्ध संसार में न भूतो न भविष्यति। तो आप समझ सकते हैं कि ये नूरा कुश्ती थी उनके लिए, और वो स्वयं जानते थे कि उनका हित कहाँ है। तो मेरा कहना यह है कि ये संविधान इसलिए बहुत बड़ी नौटंकी है, एक तरह का प्रहसन है, उपहास है, और उनका मूल लक्ष्य यही था कि कितने लंबे समय तक इतने बड़े देश पर हम शासन कर लें। क्योंकि चर्चिल को यदि आप पढ़ेंगे तो चर्चिल की बातों से भी यही स्पष्ट हो जाता है, और चर्चिल अपने आप में बड़ा प्रभावकारी व्यक्ति था इंग्लैंड में। जब वो प्रधानमंत्री नहीं था तब भी प्रभावकारी था, क्योंकि उसकी बात पर लोग सामान्यतया बहुत ध्यान देते थे और बहुत सीमा तक मानते भी थे। तो आपका प्रश्न जो है वो बहुत ही उचित है कि ऐसा संविधान उसने बनाया है। हाँ, बाद की जितनी बातें हैं वो पंकज जी ने बता दी कि भाई कांग्रेस पार्टी ने उसको क्यों स्वीकार कर लिया। और एक जो बात कही है पंकज जी ने, वो पुस्तक में भी है कि जो हमारे प्राचीन गौरव को उठाना है और जो करना है, ये नेहरू के शब्द थे। अब देखने वाली बात यह है कि मूल प्रस्तावना में जो प्रस्ताव है उसमें नेहरू के ये शब्द हैं। मैं आपको यदि आसानी से मिले तो मैं पढ़ के ही सुना देता हूं, लेकिन ये शब्द क्यों मर गए बाद में जब संविधान बना, तो ये शब्द क्यों नहीं आए? इससे आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा कि हमारे ही लोगों ने बाद में, जो संविधान बनाने वाले लोग थे उन लोगों ने हमारे साथ छल किया। एक अजीबो गरीब तरह का संविधान हमारे ऊपर थोप दिया। तो इसलिए ये जो मेरा यही कहना है। तब तक आप आगे बात बढ़ाइए, मैं तो ढूंढ लेता हूँ तो धर्म तुम्हें बताऊंगा। एक्चुअली क्या है कि ये संविधान
अभी जो संविधान का जो कल्चर चला वो इसलिए चला यूरोप में क्योंकि यूरोप को वैलिडिटी चाहिए और वैलिडिटी में डॉक्यूमेंट्स चाहिए, डॉक्यूमेंट्स चाहिए जैसे उनको सिखाया गया है बाय बुक, एक बुक के ऊपर होते हैं व्यक्ति के ऊपर नहीं होते, और चाहे वो व्यक्ति एग्जिस्ट करे या ना करे, जैसे जीसस नाम का व्यक्ति कभी एग्जिस्ट ही नहीं हुआ इतिहास में, लेकिन फिर भी एक बाइबल बनाई गई जिसमें पूरे नेटिव कल्चर्स की जो कहानियां थी सबको एक साथ लिख दिया गया जोड़ जोड़ के, और एक कहानी एक नैरेटिव बनाया गया। तो बिना उस रिटन डॉक्यूमेंट के ये लोग अपनी वैलिडिटी नहीं ढूंढ सकते। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे झूठ बोले कि मैंने ये झूठ लिखा है 100 पेजेस का और उसको 10 लोग मान लें कि ये झूठी सच है और तो वो सच बन गया, तो ये कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर है। तो अगर इस कल्चर में तो यही कल्चर भारत के ऊपर लादा गया, जबकि हमारे यहाँ पे जो ग्रंथ लिखते हैं मतलब किसी लेखक को आजादी नहीं होती लिखने की जब तक कि उसके गुरु उसको मान्यता ना दे या उसके कोई उसका कोई उसका जो श्रुति स्मृति पुराण के आउटसाइड कोई कुछ लिखने की कोशिश करे, लेकिन वहां पे कल्चर नहीं है। वहां पे कल्चर है कि जो जितना जो लिखे, क्योंकि बाकी सब तो मूर्ख है, किसी को पढ़ने की इजाजत नहीं है, किसी स्कूल जाने की इजाजत नहीं है, तो जो लिखता है कोई वो ही राजा बन जाता है, जैसे अंधों में काना राजा। तो दिस इज हाउ द डॉक्यूमेंट्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इन द वेस्ट। अभी जब अमेरिका ने अपनी आजादी डिक्लेयर करी सेटलर्स ने, उन्होंने नेटिव अमेरिकन को नहीं पूछा, नेटिव अमेरिकन को मालूम भी नहीं कि आजादी डिक्लेयर कर रहे हैं ये लोग, उन्होंने उनको ये बताया ये हमारा इंटरनल मामला है आपका नहीं है, और बाद में उस कॉन्स्टिट्यूशन को नेटिव अमेरिकन के ऊपर लाद दिया, बोला कि ये हमारी सर्वसम्मति से हुआ है क्योंकि अब हमारी पॉपुलेशन आपसे ज्यादा है। ये कैथोलिक चर्च ने 1908 में बोला था टू द सेटलर्स कि अब आप डेमोक्रेसी डिक्लेयर करिए, ये है। प्लीज कंटिन्यू। मैं वो सुना देता हूं, मिल गया मुझे। हाँ सुनिए, संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को अंगीकृत संविधान के उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव, जिनको कि अंग्रेजी में कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, को प्रस्तुत करते हुए श्री जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं ये उद्देश्य निरूपित किए, जिनमें 8वां उद्देश्य है इस प्राचीन भारत भूमि को विश्व में उसका सही और गौरवशाली स्थान प्राप्त कराना और मानव जाति के कल्याण तथा विश्व शांति के प्रोत्साहन में उसका स्वेच्छापूर्ण योगदान सुनिश्चित करना। अब यह जो वाक्य है ये लग रहा है कि किसी महापंडित हिंदू के द्वारा ये वाक्य विन्यास बना है, क्योंकि तो नेहरू में इतनी बुद्धि नहीं थी अपनी प्राचीनता को लेकर के कि इस तरह के वाक्य वो गढ़ते। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ये समाप्त हो गया, ये नहीं रहा हमारे संविधान, ये 22 जनवरी 1947 की बात है। उसके 3 वर्ष बाद नवंबर महीने में जाकर के हमारा संविधान तैयार हुआ। इतना समय बीत गया, इस समय में क्या हुआ, क्या परिवर्तन हो गया? सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान बन गया, तो आपके हिंदू राष्ट्र का औचित्य कई गुना बढ़ गया, लेकिन वो भी नहीं हुआ। आपने अल्पसंख्यकों के लिए विशेषाधिकार भी दे दिए और हिंदू समाज को आंबेडकर जी की कृपा से खंड खंड तोड़ दिया गया। ये उन्हीं के संविधान में डाल दिया गया कि ये अनुसूचित जाति है, ये अनुसूचित जनजाति है, और उनका जो उल्लेख है वो सैकड़ों में है, एक दो बार उल्लेख नहीं है इस तरह के शब्दों का, बहुत बड़ा उल्लेख है। अनुसूची की अनुसूची बना दी गई, एक संविधान की 5वीं अनुसूची है जिसमें सारे भारतवर्ष में जो ये जनजाति समाज है उस जनजाति के लिए जो क्षेत्र होता है वो आरक्षित होता है, उस क्षेत्र में मैं और आप प्रवेश नहीं कर सकते, वहां की भूमि खरीदने की तो बात ही भूल जाइए आप। इसलिए ऐसे ऐसे काम किए गए कि हिंदू ही टुकड़ों में बट जाए, तो इसलिए ये बहुत ही अनुचित और घोर अन्यायपूर्ण कार्य भारत वर्ष के साथ हुआ है, जिसको समाप्त करना अति आवश्यक है। और जो ये पुस्तक है, यह पुस्तक इस अर्थ में रामबाण है कि यह अनेक रोगों की दवा है, एक रोग की नहीं,
ये जितने रोग अभी आपको दिख रहे हैं सबके लिए है। जैसे न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित हो जाएगी, भारतीय विद्या की स्थापना होगी, क्योंकि बिना भारतीय विद्या के हम हिंदू राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते। जब तक हम अपने शास्त्रों का, धर्मशास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे, उसको पढ़ेंगे नहीं, तो पंथ तो जानेंगे नहीं। और मैं तो आशा करता हूं कि और कुछ नहीं तो जो पंकज जी बार बार कह रहे एलीट वर्ग, जिसका कि अभिजात्य वर्ग है, जिसका महत्व किसी भी देश में होता है, तो हमारा अभिजात्य वर्ग हो, और क्योंकि उससे नेतृत्व भी निकलता है, तो हमारा नेतृत्व भी यदि हमारे धर्मशास्त्रों से परिचित हो जाएगा ना, तो आप समझिए आपकी आधी समस्या दूर हो गई। आज तो कठिनाई यह है कि उनको पता ही नहीं है। और इस अर्थ में यह पुस्तक जो है, मैंने आरंभ में कहा था, दुर्लभ है, दुर्लभ ग्रंथ है, क्योंकि इस प्रकार की योजना कभी बनी नहीं। इसीलिए हमने वो कहा है कि ये रूपरेखा है, हिंदू राष्ट्र के प्रचंड रूप में लोग जानते हैं, वो बातचीत भी करते हैं कि हिंदू राष्ट्र में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन एक जगह यदि कहीं लिखा हुआ कोई ग्रंथ है तो यही है, एकमात्र ग्रंथ। और इस ग्रंथ को आज मैं मानता हूं कि आधारभूत पुस्तक है। कल यदि हिंदू राष्ट्र बनता है या हिंदू राष्ट्र के निर्माण की बात चलती है, तो यह पुस्तक जो है एक दिशा निर्देश का काम करेगी पूरे देश के लिए। और अंत में जो पंकज जी ने कहा और मुझसे छूट गया था, वह है मानव धर्म, क्योंकि तो मनुस्मृति में मानव धर्म है, और वो मानव धर्म सार्वकालिक है, सार्वदेशिक है और सार्वभौमिक है, अर्थात पूरे संसार के लिए। तो हम तो ये मानते हैं कि भारत में ऐसा शासन या ऐसी व्यवस्था जो बनेगी, तो उसका स्वतः स्फूर्त अनुकरण आरंभ हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहां कहा गया है कि धर्म में सुख है, अधर्म में दुख है। तो हम तो सुख की बात करते हैं, और सुख किसका? सबका, सर्वे भवन्तु सुखिनः। इस प्रकार इस पुस्तक का बहुत महत्व है, और मैं आशा करता हूं कि अधिक से अधिक लोग, पाठक, इसको पढ़ें, इस पर मनन चिंतन करें, इस पर विवेचना करें, और आदित्य जी के चैनल पर आकर प्रश्न पूछें, टिप्पणी करें। किसी इसमें विशेष विषय उनको लगे कि ये नहीं समझ में आ रहा है, तो हम उस पर फिर से वार्ता करेंगे। अगली बार हम दीदी को भी कष्ट देंगे, उनको बुला लेंगे, और पंकज जी हैं ही हमारे साथ। तो इसके मैं चाहता हूं कि हर छोटे छोटे पक्ष पर, सूक्ष्म से सूक्ष्म पक्ष पर विस्तार से विवेचना हो, ताकि किसी को किसी प्रकार का कोई भ्रम ना रहे। क्योंकि हमारा लक्ष्य है ऐसा हो, ऐसा होना ही है, क्योंकि यही ईश्वरीय सत्य है, ईश्वर का यही कहना है। इसमें एक बड़ा सुंदर प्रसंग जो है आया है इस पुस्तक में, आदित्य जी आपको बड़ा रोचक लगेगा, कि जिस तरह की शक्तियां संविधान बनाने से पूर्व और आज तक हमारे देश में रही हैं, इसमें आश्चर्य होता है कि ये विषय पलटा कैसे, हमारे समाज में जागृति कैसे आ गई, हिंदू धर्म नष्ट क्यों नहीं हुआ। तो इसका अर्थ है कि विधि ने कुछ सोचा है, विधि का विधान ऐसा है, अन्यथा आज की पीढ़ी इस हिंदू राष्ट्र के नाम पर उन्मत्त हो जाती है, चीखती चिल्लाती है। पंकज जी ने सही कहा, करोड़ों लोगों की मानसिकता ऐसी बन गई है, उनका उद्देश्य हिंदू राष्ट्र बनाना। तो इस प्रकार मैं सोचता हूं, मुझे लगता है कि इस पुस्तक का अनन्य योगदान होगा इस दिशा में, और हिंदू राष्ट्र जो है बनाने में, भले उसमें केवल समय की बात है, चाहे 2 साल लगे, 4 साल लगे, 8 साल लगे, 10 साल लगे, लेकिन उस दिशा में कड़ी प्रेरणा सही लिखी गई है जी। तो इस देश का मानस वैसा बन चुका है, मन लोगों का बन चुका है, अब जो समय लगे, 6 महीने, 8 महीने, 2 साल, 4 साल है, तो भविष्य की बात है। गीता में 2 श्लोक हैं, 7वें चैप्टर में, एक बड़े अच्छे श्लोक हैं, नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा
प्रपद्यन्ते नराधमा माया परत ज्ञान आसुरम भावम आश्रिता, एक ये है। और दूसरा चतुर्विधा भजन्ते माम जना ये सुकृतो अर्जुना आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। ठीक है, ये दो श्लोक है। तो सर्वे सुखिनो भवन्ति सिर्फ संतों के लिए है, सबके लिए नहीं है। तो जो माया परत ज्ञान है ना, दुष्कृत नवाम दुष्कृत नो मूढ़ा, उनके लिए अलग अलग एक सिस्टम होता है। हमारे इधर दंड का विधान होता है। तो हम लोग सबके लिए अच्छी माने, ये बात अलग है, क्योंकि हम लोग सिर्फ संतों के लिए अच्छा मानते हैं कि सब संतों के लिए सब आर्त हो, जिज्ञासु, जिसको धन की आवश्यकता हो, कोई दुख हो, वो सब को हमारे श्लोकों में पुण्य माना गया है। वो सब अच्छे लोग हैं क्योंकि वो स्वाभाविक है जीवन में, कर्म जिस प्रकार के हैं। लेकिन दुष्टों को दंड दिया बोला गया है। तो सर्वे सुखी नो भवन्ति एक हाफ स्टेटमेंट हो गया। ये हम चाहते हैं लेकिन दंड हम देते हैं। तो मैं इसीलिए बार बार बोलता हूं, अगर बोध नहीं तो शत्रु बोध कैसा। तो गीता में दोनों साइड में अच्छी तरह लिखा हुआ है। 17वें चैप्टर में पढ़ सकते हैं, 16वें, 7वें में। रामेश्वर जी, आपकी क्लोजिंग स्टेटमेंट्स आपकी पुस्तक के ऊपर प्लीज। ये अब तो बोल है, नरेंद्र जी ने सबसे अच्छा कंक्लूड कर दिया। इस पुस्तक का प्रयोजन जो इस समय भारत का मानस उसकी जो कसमसाहट है, उसकी जो आकांक्षाएं हैं, उसको मार्ग दिखाना। एक प्रकार से ईश्वरीय प्रेरणा से ही ये पुस्तक लिखी गई है। पुस्तक की अत्यधिक आवश्यकता प्रत्येक प्रबुद्ध व्यक्ति को है, वो युवा हो, युवती, युवक युवती हो या प्रौढ़ हो। लेकिन जिसको देश की सचमुच चिंता है और जो देश को एक सार्थक स्वरूप में आगे बढ़ते देखना चाहता है, उस सबको ये पुस्तक बहुत आवश्यक है पढ़ना। इसके द्वारा उनको उनके मन की ही इच्छाओं के लिए एक आकार मिलेगा, एक रूप मिलेगा, एक मार्गदर्शन मिलेगा। इसलिए इस पुस्तक को सबको पढ़ना चाहिए। अच्छा, दर्शकों को मैं बता दूं, ये बुक वितस्ता पब्लिकेशन से अवेलेबल है। आप VITASTA वितस्ता पब्लिकेशन पे जाके आप ये बुक देख सकते हैं। और जो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ वो उन्होंने ही फ्लिपकार्ट पे भी डाली है और अमेजोन इंडिया पे भी डाली है। अमेजोन इंडिया के दोनों में उपलब्ध है, आप लोग वहां पे जाके खरीद सकते हैं। तो आज यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। शालिनी जी, आपको सुनके तो ऐसा लगता है कि मैं बस सुनता ही रहूं, आपकी हिंदी इतनी अच्छी है। और जो बम्बईया हिंदी वाले लोग हैं, मेरे जैसे लोग जिनको बम्बईया हिंदी है, तो उनके लिए मैं बोलूंगा कि उसमें आपको थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे कि वो कैसे शब्द यूज करते हैं। वो शायद बाकी बम्बई और हैदराबाद और इस तरह के लोग जो हिंदी बोलते हैं उनको समझ में ना आए, तो उसको ध्यान से सुनिए उसको वापस। तो इसलिए आपको दो बार सुनने का मौका मिलेगा, एक बार नहीं। और रामेश्वर मिश्र जी की हिंदी थोड़ी सरल है, तो उनसे भी आप सुन सकते, उन्होंने अपना व्यू पॉइंट लिखा है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और जुड़ने के लिए। और वीडियो को दोस्तों को बताइए, लाइक्स करते रहिए, शेयर करते रहिए। और जो भी हमने अभी तक प्रोग्रेस किया है आपके साथ, वो इट इज बीन फिनोमिनल, और बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है, और वी हैव टू मेक इट हायर। तो अगले शो तक फिर मिलेंगे। नमस्ते, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।